हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज हम आपके सामने लाए हैं मारुति का प्रोडक्ट, मारुति इग्निस। एंड अभी आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। तो यार, कंपनी ने इस कार को तब लॉन्च किया था जब कोई इस सेगमेंट के बारे में जानता भी नहीं था। ये कंपनी की फर्स्ट अर्बन एसयूवी कार थी, जिसको कंपनी ने एज अ अर्बन एसयूवी करके लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। एंड करेंटली अभी इस समय पे अगर मैं बताऊँ, ये कार एक वैल्यू फॉर मनी कार हो चुकी है, बिकॉज करेंटली इस कार में आपको अराउंड 71,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इससे डिस्काउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको जो भी चाहिए होगी, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा शोरूम की डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी डिस्काउंट रिलेटेड क्वेरीज हैं अपनी पूछ सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस कार की, तो अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ, फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो ये क्रोम यूज़ किया गया है इसके ग्रिल पे, ये काफ़ी अच्छा लुक देता है इस कार को। इसके साथ साथ अगर मैं इसके हेडलाइट सेटअप की बात करूँ, तो इस कार में आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है। एंड उसके साथ साथ आपको हैलोजन में इंडिकेटर मिल जाएंगे, प्लस ये जीटा मॉडल है तो फॉग लैम्प की प्लेसिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प भी ऑफर किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो नीचे आपको स्ट्रेट प्लेट ऑफर की जाएगी इस कार में, जो कि कार को काफ़ी अच्छा लुक देती है। ओवरऑल अगर कार के फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ, तो फ्रंट प्रोफाइल से कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आपको लगता है कि प्रॉपर आप एक किसी माइक्रो एसयूवी कार में बैठे हुए हो। सो गाइस, अब बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले इस कार में जो आपको ओआरवीएम ऑफर किए जाते हैं, ये ऑटो एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल दोनों हैं। एंड साथ ही साथ ओआरवीएम में ही आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार के टायर प्रोफाइल की, तो इस कार में आपको 15 इंच का टायर मिलते हैं, जिसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो 15 इंच के टायर आपको इस कार में मिलते हैं। इसके साथ साथ ब्लैक कलर में जो अलॉय दिया गया है, ये कार के लुक को कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्हांस करता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है यार ये ब्लैक कलर अगर आप देखने में, अगर इसका अलॉय की अगर बात करूँ तो। इसके अलावा आपको टायर के ऊपर ही क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी, जो क्लाइडिंग पूरा लास्ट तक जाती है कार के, एंड कार को थोड़ा थोड़ा एसयूवी लुक देती है। इसके अलावा बात की जाए, कार में आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे, जेटा मॉडल है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको कार में मिल जाएगा एंड बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। एंड वहीं बात की जाए इस वेरिएंट में, तो आपको इस वेरिएंट में रूफ रेल्स भी देखने को मिलेंगे, और ये रूफ रेल सिर्फ रूफ रेल्स नहीं, ये रूफ रेल्स फंक्शनल रूफ रेल्स है गाइस। इसके अलावा साइड प्रोफाइल अगर देखी जाए, तो साइड प्रोफाइल कार की कुछ इस तरीके से लगती है। एंड कहीं से भी ये कार किसी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट जो इसकी कार में आ रही है इस कंपटीशन में, उनसे कम नहीं लगती है। वहीं ये कार एसयूवी सेगमेंट की कार है, तो लोगों को बड़ा वो रहता है कि यार एसयूवी सेगमेंट की कार है तो कितनी ग्राउंड क्लियरेंस दे रही होगी आपको। तो इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो इस कार में आपको 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि ज़्यादा भी नहीं कहूँगा और इसे कम भी नहीं कहूँगा, एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये कार आती है। हैचबैक से ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में ऑफर की जाती है। एंड इसके अलावा गाइस, अब बात करते हैं कार के रेयर प्रोफाइल की। सो अगर मैं बात करूँ इसके रेयर प्रोफाइल की, तो इस कार में आपको टेल लाइट में LED का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। एंड इस कार में आपको 4 सेंसर देखने को मिलेंगे, जिनकी प्लेसमेंट यहाँ की गई है। इसके अलावा इस कार के बैक पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगी, रेयर स्किड प्लेट, जो कि कार का लुक कहीं ना कहीं अनाउंस कर रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ इस कार में, इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर देखने को मिलेगा, रियर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसिंग यहाँ की गई है। इसके अलावा इस कार में आपको स्पॉयलर भी देखने को मिलेगा एंड एंटीना की प्लेसिंग आपको ऊपर की गई है। इसके अलावा बात करें इस कार में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो इस कार में आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कहीं ना कहीं सफिशिएंट है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो सफिशिएंट 260 लीटर का बूट स्पेस आपको डिसेंट इनफ बूट स्पेस मिल जाता है एंड आप अपना लगेज इसमें इजीली कैरी कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बूट लैम्प देखने को मिल जाएगा कार में। एंड वहीं मैं बात करूँ स्पेयर टायर की, तो इस कार में आपको स्पेयर टायर जो मिलता है, आपको सेम 15 इंच का स्पेयर टायर आपको इस कार में भी मिलता है, सेम प्रोफाइल सेक्शन के साथ 175/65 R15। तो 15 इंच का स्पेयर टायर आपको इस कार में ऑफर किया जाता है। तो बूट स्पेस भी कार का डिसेंट है, एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार है और 260 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर कर रही है। तो बूट स्पेस के हिसाब से भी अगर एक छोटी माइक्रो फैमिली के हिसाब से देखें, तो बूट स्पेस आपको डिसेंट बूट स्पेस दिया जाता है। वहीं इस कार में आपको 40-60 स्प्लिटेबल सीट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इसके सीट को, रियर सीट को फोल्ड करके एज अ बूट स्पेस यूज़ कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो आपको बूट स्पेस की कमी इस कार में कभी फील होगी। तो गाइस, ये तो बात रही कार के एक्सटीरियर की, अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जीटा वेरिएंट है, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, तो आपकी जो स्मार्ट की आपको ऑफर की जाती है कंपनी द्वारा, वो ऐसी है, इस तरह की स्मार्ट की आपको मिलेगी इस कार में।
एंड अब चलते हैं कार के अंदर, पहले चलते हैं रियर प्रोफाइल में और देखते हैं रियर प्रोफाइल में कितना स्पेस आपको मिलता है इस कार में। तो गाइस जैसा आप देख रहे हो डोर भी इसका काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो आपके लिए इसमें उतरना और चढ़ना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आप कार का डोर वाइड ओपन की होने की वजह से आप इजीली इस कार में एंटर कर सकते हो एंड इजीली इस कार से एग्जिट भी कर सकते हो। तो इस कार से उतरना और चढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज इसका जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है। 90 डिग्री तो नहीं बट फिर भी डोर का अगर आप देखोगे पोजिशनिंग तो काफ़ी वाइड ओपन होता है डोर। अब चलते हैं कार के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ उसका रियर सीट कंफर्ट कैसा है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो इसमें आपको लेगरूम काफ़ी इनफ मिल जाता है, साथ साथ आपको थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है एंड रिक्लाइन एंगल की मैं अगर बात करूँ तो रिक्लाइन डिसेंट है। अभी मैं आपको एक काम करते हैं, एक 6 फीट के बंदे को इसमें बिठाते हैं एंड तब देखते हैं कि थाई सपोर्ट और कितना लेगरूम आपको मिलता है इस कार में। तो सर आप प्लीज़ आप आइए और हमें दिखाइए कि कितना स्पेस मिल रहा है आपको। तो लेगरूम अगर आप जैसे देख सकते हो तो डिसेंट आपको यहाँ पे लेगरूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है बट आपको कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है? तो वैसे अगर मैं देखूं जाऊं तो 6 फीट के बंदे के लिए भी लेगरूम कार में सफिशेंट है। इवन अगर आप देखोगे हेडरूम, इवन आप अगर देखोगे तो हेडरूम भी काफ़ी सफिशिएंट हेडरूम इस कार में आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पीछे आप इजीली इस कार में 2 एडल्ट और 1 बच्चा आप इजीली बैठ सकते हो अगर आप वेल बिल्ड के बंदे हो। अगर आप नॉर्मल बिल्ड के इंसान हो तो 3 बंदे भी इस कार में आराम से पीछे आप बैठ सकते हो रियर सीट पे। तो गाइस ये तो रहा इस कार का कुछ रियर सीट कम्फर्ट। अब चलते हैं कार के फ्रंट सीट में और आपको दिखाता हूँ कि कार फ्रंट सीट में कैसी है एंड कार का इंटीरियर कैसा है ओवरऑल। बट फ्रंट सीट में जाने से पहले हम कार के डोर पे थोड़ा सा देखते हैं। कार का जो इंटीरियर है आपको ड्यूल टोन में इसका इंटीरियर मिलता है, ब्लैक एंड वाइट कलर में इसका इंटीरियर यूज़ किया गया। साथ ही साथ सारे विंडोज़ के कंट्रोल आपको डोर ड्राइवर डोर पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके ORVM के कंट्रोल्स भी आपको इसके ड्राइवर साइड डोर में मिल जाएंगे। अगर जीटा वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल का फीचर नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पुश स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा और अपनी अपनी हेडलाइट आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का इंटीरियर अंदर से कैसा है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की तो ड्यूल टोन का इंटीरियर इस कार में यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड वाइट कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। वाइट थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए बट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका वाइट कलर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया है। उसके अलावा अगर मैं इस पर ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स का साइज़ आपको डिसेंट साइज़ मिलता है, यहाँ पर थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा एक डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है, कोल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता इस कार में आपको। उसके अलावा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, पहले भी हमने देख चुके हैं मारुति कार में जो पहले यूज़ किया था वही वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें। इसके अलावा मैनुअल AC के कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं, एक ऑक्स USB का सॉकेट यहाँ पे मिलेगा आपको एंड उसके साथ साथ एक 12 वाट का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है आपके सामान कैरी करने के लिए। उसके अलावा 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं। AMT ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे आपको इसका AMT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। बात करें कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक MID का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको कार की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि इसकी फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितने किलोमीटर्स आपने रन किए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस MID में। इसके अलावा कार में स्टेयरिंग की बात करूँ, काफ़ी लाइट स्टेयरिंग है इस कार का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड इस कार में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अलावा ड्राइवर साइड में आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनुअल ORVM आपको इस कार में ऑफर किए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रीडिंग लैंप भी आपको दिया गया है एंड अगर को पैसेंजर की बात करूँ तो उसमें आपको एक वैनिटी मिल जाएगी। ओवरऑल कार का इंटीरियर डिसेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बात करें सीट कम्फर्ट की तो इस कार के फ्रंट सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है कम्पेयर टू रियर सीट। जो रियर सीट में थाई सपोर्ट का आपको लग रहा था थोड़ा, वो आपको फ्रंट सीट में फील नहीं होगा, फ्रंट सीट में आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा इस कार में। सो ओवरऑल सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है कार की एंड मेरे हिसाब से तो यार ये कार एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट पैकेज लेके आती है। एंड अगर इसके कॉम्पिटिशन्स में मैं बात करूँ और कार्स की तो
इसमें आपको कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें ऑफर की जा रही है, जो कि इसको एक वैल्यू फॉर मनी कार बनाता है। तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि ये अपने बाकी कंपटीटर्स कार से पीछे है। स्पेशली मैं पहले से भी बोलता आया हूँ कि इग्निस जो है इनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड अगर आप इस रेंज में और कोई कार्स देख रहे हो तो आप इस कार को भी चेकआउट कर सकते हो। आप आओ, आप इस कार की टेस्ट ड्राइव लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये कार आपको क्या ऑफर कर रही है। एंड गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।